Hey guys, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विवेन डिशेना के बारे में। आप लोगों को पता होगा विवेन डिशेना फिलहाल अब सिर्फ तुम शो से उनका पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, शो ऑफ एयर जा चुका है, तो पूरी तरीके से वो है फ्री। अब ऐसे में उनके जो पॉपुलर शोज रहे हैं ना, फैंस की डिमांड बढ़ चुकी है उन शो में उनको एक बार फिर से देखने की। लगातार डिमांड चल रही है कि विवेन डिशेना वापस आने चाहिए अपने पॉपुलर शो के सीज़न 2 में। आपको बता दें, इस तरह से खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि विवेन डिशेना का न्यू प्रोजेक्ट सामने आने वाला है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि विवेन डिशेना जब सिर्फ तुम शो को कंटिन्यू कर रहे थे तभी उनके पास कई सारे शोज के, कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर गए हुए थे, और ऐसे में अब फाइनली जब वो फ्री हैं तो डेफिनेटली वो न्यू प्रोजेक्ट को साइन ज़रूर करेंगे। हालांकि अपनी फैमिली के साथ जो कि टाइम स्पेंड करना है उनको टाइम स्पेंड ज़रूर से करेंगे, लेकिन बावजूद उसके अगर बात करी जाए उनके प्रोफेशन की तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द नज़र आएंगे फैंस को बिना इंतज़ार कराए हुए। तो ऐसे में क्या उनके पॉपुलर शो के सीज़न 2 आने वाले हैं या फिर एक बार फिर से कोई नया धमाकेदार शो लेकर आने वाले हैं? क्या डेली शो भी होगा या फिर म्यूज़िक एल्बम में भी दर्शन देने वाले हैं? भाई ऐसे में कई सारे सवाल फैंस के हैं जो कि उनके दिलों में कौंध रहे हैं, उनके जहन में कौंध रहे हैं, कैसे जवाब मिलेंगे, तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही। आपको बता दें, जिस तरह से खबर सामने आ रही है उन खबरों की माने तो विवेन डिशेना न्यू प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। अब उस न्यू प्रोजेक्ट में उनका सीजन 2 भी शामिल हो सकता है पॉपुलर शो का, और इसके अलावा उनका न्यू प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से जो न्यू प्रोजेक्ट है वो भी शामिल हो सकता है। डेली शो भी हो सकता है, उनका म्यूजिक एल्बम भी हो सकता है, वेब सीरीज भी हो सकती है, शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, तो कुछ भी क्लियर कहना मुश्किल होगा, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है यह डेफिनेटली तय है। सो एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा। उनके अपोजिट कौन नजर आएगा इस बात को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो कितना एक्साइटेड है ज़रूर कमेंट करके बताना। बता दें आपको, विवेन डिशेना के अपोजिट जितनी भी एक्ट्रेस अभी तक नजर आई हैं सभी के साथ उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई है, चाहे वो दृष्टि धामी हो, रूबीना देलाइक हो, या फिर ईशा सिंह हो, या फिर ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस जो कि उनके अपोजिट नज़र आ चुकी हैं। सो श्रुति खंडपाल को तो लोग आज भी मिस करते हैं। देखते हैं कौन वो एक्ट्रेस होगी जो कि विवेन डिशेना के अपोजिट इस बार नजर आएगी। क्या है कहना ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।